हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे ये वीडियो ना पूरा एकदम से अपडेट से भरा पड़ा होने वाला है, बिकॉज आपने जो प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट्स किए थे अपडेट्स के रिगार्डिंग क्या क्या आने वाला है, तो मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ने वाला हूँ अपडेट रिगार्डिंग। तो गाइस, क्योंकि ना ये वाला जो ये हफ्ता जो होने वाला है ना पूरा एकदम से इतने सारे हम लोग को डेली अपडेट स्नीक पिक के जो दिन है वो पहला स्नीक पिक का दिन आपको पता चल गया रहेगा। सुपर पोशन जो हमको मिल गया है, जो कि गाइस यहाँ पे सुपर पोशन क्या करता है आपको पता है कि एक और ट्रूप को हम लोग ना साइमल्टेनियसली दो सुपर ट्रूप को यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, जो कि फिलहाल हम लोग बस एक ही को कर सकते हैं। एंड उसे हम लोग तीन, और अभी जो वो जो ड्यूरेशन होता है 7 डेज़ का, वो भी 3 डेज़ हो चुका है। एंड उसके बाद 25,000 डार्क लिक्जर पे हम लोग बूस्ट कर पाएंगे। तो ये हमको एक पहला स्नीक पिक में हमको ये चीज़ मिली। तो इस अभी अगले स्नीक पिक में क्या क्या मिलने वाला है ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या आने वाला है अगले स्नीक पिक में। तो इस ना अभी चलो फटाफट से ना मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो उससे पहले गाइस ना बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है जैप्स गेम्स, और ये कोई ऐसा वैसा एप्लीकेशन नहीं है। इससे आप लोग अपना COC में गोल्ड पास तक जीत सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है ना, आपको मैंने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, आपको ओपन करना है, फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप को। एंड देन उसके बाद आपको साइन इन करना है गूगल से आपकी GMail ID से। एंड देन सीधा आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, आपको ना ये गेम्स यहाँ पे 3 गेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसे आपको खेलने के लिए टिकट्स की ज़रूरत होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 87 टिकट्स है, तो मैं लगभग एक हफ्ते से खेल रहा हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे 3000 पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं खेल के। एंड देन यहाँ पे अगर मैं रिडीम पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे देख लो ये जो पॉइंट्स है ना, अगर मैं 4999 जैप से यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ देन मुझे भी एक COC में अपना गोल्ड पास मिल जाएगा, COC गोल्ड पास। तो इससे तो आपको पता है हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जैप से मिलेंगी, हॉटस्टार वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें। एंड उसके बाद गाइस ना अगर आप मैं आपको एक गेम भी खेल के दिखाता हूँ, तो एक टिकट मेरा यूज़ हो जाएगा इस गेम में। तो चलो यहाँ पे हम लोग खेलते हैं और यहाँ पे देख लो गाइस, तीन पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। एंड अगर आपको ये पॉइंट्स डबल करने हैं ना, तो जैसे आप क्लिक करोगे ना ऐड पे, तो डबल हो जाएंगे पॉइंट्स आपके। ओके, तो गाइस ये भी और सारी चीज़ें, ये देखो 3 और पॉइंट्स मेरे ऐड हो गए। एंड अगर आपको फ्री टिकट चाहिए तो आपको हर 2 घंटे में 2 टिकट फ्री मिलेगी। एंड उसके साथ ही अगर आप और ऐड देखते हो तो और 2 टिकट मिलेगी आपको। तो इतने सारे गाइस बेनिफिट्स हैं। एंड इसके साथ ही गाइस ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो कलेक्ट हम कर लेते हैं फिलहाल डबल टिकट, तो 88 हो गए टोटल। एंड गाइस इसमें और भी ऑप्शन आने वाला है अपडेट, जो कि होगा रिफर एंड अर्न। आपको भी कुछ टिकट्स मिलेंगे एंड आपके फ्रेंड्स को भी मिलेंगे टिकट्स। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है गाइस, जाओ, मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप फटाफट डाउनलोड कर लो। तो गाइस यहाँ पे YTY गेमर्स की तरफ से यस ब्रो अपडेट आना चाहिए, न्यू ट्रूप। यस एक्चुअली एकदम से करेक्ट आपने कहा है कि नया ट्रूप आना चाहिए, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, एक सीजनल ट्रूप हमको मिलता है हर विंटर अपडेट के टाइम पे। तो क्या हमें इस बार भी वो जो आपको पता है गाइस एक स्पेल भी हमको मिला था सेंटा स्पेल, एंड उसके साथ यहाँ पे आइस विजार्ड भी हमें एक टाइम पर मिला था शायद इसी टाइम पर। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते कि शायद से एक नया ट्रूप हमको मिले एज अ सीजनल, क्यों ना हो। एंड गाइस ना आप लोग ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा। एंड आप लोग ना गाइस कमेंट कर देना कि आपको अगले अपडेट में क्या आना चाहिए जैसे ये लोग ने किया है। तो अभी हम लोग ना बढ़ते सीधा अगले कमेंट की तरफ। एंड उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद जतियाल की कमेंट है, स्पेल फैक्ट्री इन बिल्डर हॉल ये एकदम बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बिकॉज क्योंकि बिल्डर हॉल में ना ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जो हमें आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बिल्डर वॉर्स का भी मैं सोच रहा था कि बिल्डर वॉर आ जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा अपने गेम में। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे अगली कमेंट है जयपाल सिंह की, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर हैमर्स ऑफ बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, ओके। सो गाइस जो भी बुक्स हमको मिलते हैं ना, तो वो हम सिर्फ एक ही रख पाते हैं। अगर हम लोग उसे बाय कर लेते हैं शॉप से तो हम लोग उसे ज़्यादा अमाउंट में रख पाएंगे, लेकिन बाय के अलावा कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि हम लोग बुक्स ज़्यादातर हम लोग रख पाए, अनलिमिटेड रख पाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बस एक ही रखें। तो इस अगली कमेंट है पे Joker12 की तरफ से, भाई मैं चाहता हूँ कि थर्ड रेनी विलेज। या क्वाइट इंटरेस्टिंग थर्ड रेनी विलेज, क्योंकि आप गाइस जो नया सीनरी आया है ना
उसमें से जो एक केव है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना कुछ नई चीज़ें आने वाली है वहाँ से, दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे यशपाल वत्स की तरफ से सुपर इलेक्ट्रो ड्रैगन, भाई एकदम से ना मुंह की बात ही छीन ली है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई सुपर इलेक्ट्रो ड्रैगन आए, क्योंकि वो कितना पावरफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी जो नॉर्मल वाला है वो कितना पावरफुल है, तो आप लोग सोच सकते कि वो कितना ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे रमेश भाई की तरफ से न्यू रॉयल चैंपियन स्किन, हाँ यार रॉयल चैंपियन को तो एकदम से इग्नोर ही करके रखा है, क्योंकि अभी जो पायरेट का जो चल रहा था, मतलब ये लोग का पायरेट सारा पायरेट लेके आ गए, लेकिन रॉयल चैंपियन को अब तक कुछ नहीं दिया, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, सुपर सेल दे दो यार कुछ रॉयल चैंपियन को भी, ताकि और भी मज़ा आए। बस जो भी होना एकदम अच्छा होना चाहिए, यूनिक। वैसे भी गाइस कोई जो भी न्यू स्किन आती है वो अच्छी लगती है हमको। एंड यहाँ पे कौस्तव रॉय की तरफ से यहाँ पे आई गेस न्यू ट्रैप्स, हाँ यार ट्रैप्स को भी एक्चुअली एक तरफ से इग्नोर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टोर्नाडो ट्रैप जब आया था उसके बाद से कुछ हमको मिला नहीं है, ये भी बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद गई से यहाँ पे वेदांत प्रजापति की तरफ से बिल्डर बेस लीक्स एंड BH10, या ये भी सही है, क्योंकि ना बिल्डर बेस में लीक्स अगर आते हैं तो गेम में ना गाइस थोड़ा और इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि देखो गाइस नई चीज़ें आती है तो लोगों का ध्यान वहाँ पे भटकता है, लोग उस पर ध्यान देते हैं एंड एकदम बहुत एक्टिव हो जाते हैं अचानक से, तो इस ये भी बहुत अच्छा है कि बिल्डर बेस में लीक्स आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे एक और यहाँ पे लास्ट कमेंट है, ये सब होने के बाद मैं अपना भी बताऊँगी कि मैं और क्या क्या चाहता हूँ गेम में। तो इस यहाँ पे सोनाली की कमेंट है, सूरज भाई TH7 से गीगा टेस्ला आता है एंड TH12 से आता है गीगा इन्फर्नो, तो क्या टाउन हॉल 14 पे क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ, सूरज भाई TH7 से गीगा टेस्ला आता है TH12 पे, TH10 से गीगा इन्फर्नो, तो क्या टाउन हॉल 14 पे क्या आएगा, ओ माय गॉड ये क्या है भाई, ये क्या है यार लिटरली, यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यार अभी, आप लोग ना पॉज करके यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। एंड चलो ठीक है यार, ये रोस्टिंग वोस्टिंग का तो अपना कुछ नहीं है, टाउन हॉल 14 पे जो पूछा है हम लोग उस पर यहाँ पे जवाब देते हैं, टाउन हॉल 14 पे आई होप कि यहाँ पे ईगल आर्टिलरी अगर आ गई तब तो तबाही एकदम होगी यार, क्या अभी देख लो आप एक ऑलरेडी ईगल आर्टिलरी है एंड टाउन हॉल 14 पे भी अगर आ जाती है, फिर कोई और भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफेंसेस अभी भी है जो कि हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि TH12 पे टेस्ला है, 13 पे इन्फर्नो है, तो अभी बचा है मेजर डिफेंस जो कि ईगल आर्टिलरी, तो होप करते कि वो हो या फिर कुछ और, पता नहीं यार कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अपना COC यार, अभी किसने सोचा था कि सुपर पोशन आएगा लेकिन वो आया। एंड गाइस उसके बाद ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से सुपर स्पेल्स एकदम किसी ने भी यहाँ पे, मैंने सोचा था कि कमेंट किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन यार एकदम वो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सुपर स्पेल या फिर सुपर बिल्डिंग, एंड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सुपर यहाँ पे क्या बोल रहा था यार बिल्डर वॉर्स के बारे में, यार बिल्डर हॉल को अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना समझो, अगर उसे खेल के हमको थोड़ा जेम्स वगैरह मिले या फिर कोई ऐसे बुक्स वगैरह मिले या फिर कोई ट्रेनिंग कोई पोशंस क्यों ना हो या फिर कोई और ऐसे बुक्स एंड ऑल ऐसे कुछ इवेंट्स ला दे बिल्डर हॉल में भी अलग से, तो वो भी कितना अच्छा होगा। एंड उसके बाद गाइस क्या कोई मतलब चीज़ें यहाँ पे मिस हुई है मेरे से, तो ये गाइस एक अच्छा अपडेट था यहाँ पे जो सुपर पोशन का वो लोग लेके आए, होप करते कि और भी हमें नए नए बुक्स भी मिले एंड नए नए और भी पोशंस मिले, एंड अगर गाइस यहाँ पे सुपर स्पेल्स आते तब तो यार अलग मज़ा आएगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी बनेंगे। तो गाइस यही थी वीडियो, आप लोग ना प्लीज़ अगले वीडियो में अगर आपको आना है तो प्लीज़ कमेंट करो जो आपको लगता है कि अगले अपडेट में और क्या क्या नई नई चीज़ें आ सकती है। एंड ये वैसे तो अभी आने तो वाले ही है बिकॉज यहाँ पे स्नीक पीक का पूरा ये हफ्ता है, तो अभी देखते हैं कितने अपडेट्स हमको मिलेंगे एंड अभी मैं तो पूरा एकदम सुपर एक्साइटेड हूँ। तो गाइस ना ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, प्लीज़ आप लोग ना लाइक कर देना अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कर दो यार, 4000 लाइक्स का एम करते हैं। एंड उसके साथ ही सब्सक्राइब करो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो अपने चैनल पर, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो उसके साथ ही इस बेल आइकन दबाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। एंड बस कमेंट करो और फिर उसके बाद मैं ज़रूर चेक करता हूँ कमेंट्स आपके। तो इसमें मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।